SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत ऑलरेडी माननीय आयोग के द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है और व्यक्तिगत रूप से माननीय आयोग के दो माननीय सदस्यों की उपस्थिति वहाँ होना और अस्पताल जाना, उसके घर जाना, फिर संसार घाट जाना और अपनी देख रेख में जिला कलेक्टर को और SSP पुलिस अधिकारियों को आदेश देना। आयोग की जो गरिमा आयोजित जो संवैधानिक एक संस्था है, जो कुछ भी संज्ञान में आता है वो पहले आयोग दखल लेकर कार्रवाई करने के आदेश देता है। रोल। 3 दिन पहले संता आवाज टीवी पर एक खबर दिखाई दी जिसमें जीबी पंत में एक महिला को मारकर निर्भया से भी ज्यादा दुर्गति उसके शरीर के साथ की गई। उस खबर को महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव केपी चौधरी ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए मुझसे ये वार्ता की। वार्ता के बाद तुरंत SC आयोग को अवगत कराया गया और कल और आज सुबह आपने संता आवाज टीवी पर देखा किस तरह SC आयोग के दो सदस्य मान्य सदस्य पादरी सर और अंजुबाला मैडम वहां पहुंची। वो वीडियो भी हमने आपको अपने चैनल पर दिखाई। हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि SC आयोग के जाने के बाद वहां पर किस तरह की परिस्थितियां बनी और जो लोग उस कार्रवाई को या उस कार्रवाई को बाधित कर रहे थे, अब SC आयोग के संज्ञान के बाद किस तरह का उनका रुख है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। देखिए, सबसे पहले तो जिस महिला का दुखद हुआ उनके अंदर संवेदना व्यक्त करते हुए कल जो हम वहाँ पर स्पॉट विजिट किए, उनके घर को जाकर आए, उनके परिवार से मिले, परिवार का कहना था कि अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी होना चाहिए, लेकिन कुछ संगठन के लोग थे जो वो नहीं चाहते थे कि क्योंकि उनका भी एक ऐसा विषय था कि भैया हमारे को लिखित में आश्वासन मिलना चाहिए। जी, जी, जी। तो वो सब आए हमारे पास में और हमने उनको बोले कि भैया हम आपको लिखित में तो आश्वासन नहीं देते, लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक यह है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि SC ST एक्ट लगाने के हमने आदेश दे दिए पुलिस विभाग को, वो तो SC ST एक्ट लगा रहे हैं और जैसा PU एक्ट लग जाएगा वैसे सारे जो शासन के जो नियम के अनुसार से उनको जो जो प्रोविजन है वो सब उनको बेनिफिट मिलेंगे। उसी साथ हमने तुरंत सोशल वेलफेयर SDM थे उनको भी बताया कि इनको 3 महीने का पहले राशन उनके घर को पहुंचा दिया जाए। उन्होंने तुरंत 3 महीने का राशन उनके घर को पहुंचा दिए। उसके बाद में उनको तुरंत अभी जो 50% जो कुछ मुआवजा है वो सब मिलेगा और एक नौकरी, जो बड़ा लड़का है वो 18 साल के ऊपर है उसको नौकरी लगाने का भी हम सिफारिश करेंगे। साथ में उनको घर नहीं है वो, क्योंकि एक उनका जो पति है वो 1 साल पहले गुजर गया था तो उनको घर भी नहीं है, तो घर भी दिलाने का सिफारिश करेंगे और उनके जो बच्चों का एजुकेशन है ग्रेजुएशन तक के वो भी आयोग सिफारिश करेंगे। जो जो एन प्रोविजन है वो अब सब करने के हमने कल आदेश दे दिए। BCP थे, सभी थे पुलिस विभाग के। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि कोई संगठन है, ऐसा नहीं है, हर एक का एक अपना अपना काम का दायरा रहता है। उन्होंने भी अपने पद्धति से जो जो काम करना था वो किए। आयोग की जो गरिमा आयोजित जो संवैधानिक एक संस्था है, जो कुछ भी संज्ञान में आता है वो पहले आयोग दखल लेकर कार्रवाई करने के आदेश देता है, तो इसी अनुसंधान से हमने जो जो कार्रवाई करना था वो हमने सब करा है। ठीक। SC आयोग के इतिहास में एक बहुत बड़ी एक तो जीत इसको हम कह सकते हैं समाज की, और SC आयोग का भी इसके अंदर हम बड़ा धन्यवाद करेंगे कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और तुरंत, क्योंकि परिवार की स्थिति बहुत मतलब कह सकते हैं दयनीय थी। एक बड़ा बेटा है जो 15 साल का है, उसके चार पांच छोटे भाई साल के ऊपर पांच बच्चे हैं, एक 20 साल का बच्चा है और उसके बाद में 14 साल का 10वीं के क्लास में एक बिटिया है 7वीं क्लास में, 4 लड़के हैं और एक ही बिटिया है। और आज वो माँ बाप का साया उनमें से निकल गया है और वो बच्चों का कैसा पालन पोषण होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन जो कुछ भी शासन के योजना के अनुसार जो कुछ भी मुआवजा मिलेगा वो निश्चित ही उनके काम में आएगा, क्योंकि वो जाने वाले तो वापस आ नहीं सकते, लेकिन कम से कम जो आर्थिक उनकी मदद जो रहेगी वो उनके जीने के लिए थोड़ा सा एक सहारा बनेगा। जो साहब, लगभग 3 दशक से ज़्यादा हो गया है आप लगातार इस तरह के मामलों को देख रहे हैं, प्रमुखता से उठा रहे हैं और आपने कई बार ऐसे बेवक बयान भी दिए हैं और संता आवाज टीवी पिछले 8-9 साल से आपके सभी कार्यों को सराह भी रहा है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगभग 10 दिन हो गए अस्पताल के अंदर, परिवार ने बॉडी को लेने से मना कर दिया था कि हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम बॉडी को नहीं लेंगे, परिवार का आरोप है कि पुलिस दबाव में मृतक की बॉडी को जलाया गया है, क्या न्याय अभी तो खैर SC आयोग बीच में आ गया है, आपको क्या लगता है कि आंदोलन करना पड़ेगा या न्याय मिल जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी संवैधानिक प्रावधान है SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत ऑलरेडी माननीय आयोग के द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है और व्यक्तिगत रूप से माननीय आयोग के दो माननीय सदस्यों की उपस्थिति वहाँ होना और अस्पताल जाना, उसके घर जाना, फिर संसार घाट जाना और अपनी देख रेख में जिला कलेक्टर को और SSP पुलिस अधिकारियों को आदेश देना, जैसा कि माननीय सदस्य सुभाष पारदी साहब ने भी कहा है,
तो हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि आदेश के जो हमारा आयोग है उसके आदेश की पालना में इस परिवार को न्याय मिलेगा और जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिलेगी। एक बहुत बड़ी बात महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव के भी चौधरी साहब यहाँ बोल रहे हैं और माननीय जो सदस्य हैं सुभाष जी, उन्होंने भी ये कहा है कि हर संभव प्रयास किए जाएंगे जिससे कि पीड़ित परिवार को हम लोग न्याय दिला पाएं, क्योंकि 5 बच्चों की जिंदगी का ये सवाल है, परिवार में उनका बड़ा या उनके ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं है।